दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टू लोड्स ऑफ 10 किलोवाट ईच आर ऑपरेटिंग एट अ पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग ईच, व्हाट इज देयर कंबाइंड पावर फैक्टर। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लोड हैं 10 किलोवाट ईच, ओके, उनके पावर फैक्टर है 0.8, उनके भी सेम पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग ईच, व्हाट इज देयर कंबाइंड पावर फैक्टर उनके, जब उनको उनका जब दोनों एक साथ जब लोड जो है किसी सोर्स से लगेंगे तो उनका कंबाइंड पावर फैक्टर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये दोनों लोड सीरीज में जोड़े जा रहे हैं कि या पैरेलल में, तो दोस्तों हमारा आंसर इस पे डिपेंड नहीं करेगा वेदर वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, आंसर दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि पावर जो है, क्योंकि दोनों लोड है, दोनों का काम है पावर लेना, तो पावर जो है सिंपली एडिशन होगा चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर डिवाइड बाई अपेरेंट पावर, ओके, ठीक, अपेरेंट पावर सिंपली, सॉरी ये पावर फैक्टर है, ठीक, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू ये होता है ट्रू पावर। तो यहां से अपेरेंट पावर क्या होगी, अपेरेंट पावर इधर से जाएगा, अपेरेंट पावर होगा, अपेरेंट पावर को मैं एपी से डोट कर रहा हूं, अपेरेंट पावर होगा ट्रू पावर डिवाइड बाई पावर फैक्टर, है कि नहीं। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लोड का ट्रू पावर दिया हुआ है, वो कितना ट्रू पावर ले रहा है लोड, क्योंकि किलोवाट यूनिट है कि नहीं, तो हमें सेपरेटली दोनों लोड का अपेरेंट पावर हमें निकालना होगा, ठीक। तो क्या फॉर्मूला होगा, ट्रू पावर बाई पावर फैक्टर, ओके। तो पहले लोड वन कर लेते हैं, लोड वन क्या है 10 किलोवाट का है, ठीक, तो उसका अपेरेंट पावर क्या होगा, अपेरेंट पावर वन कितना होगा 10 किलोवाट डिवाइड बाई 0.8, ठीक, पावर फैक्टर है, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12.5 केवीए, है कि नहीं, अपेरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, केवीए होती है, ठीक, तो ये केवीए आ गया। लोड टू का भी ट्रू पावर और पावर फैक्टर सेम है, तो आंसर सेम आएगा, है कि नहीं, अपेरेंट पावर टू कितना आ गया 10 किलोवाट डिवाइड बाय 0.8, ये कितना आ गया 12.5 केवी, ओके। तो दोस्तों पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइंड लोड का पावर फैक्टर हो जाएगा टोटल ट्रू पावर डिवाइड बाय टोटल अपेरेंट पावर, ओके। टोटल ट्रू पावर क्या हो जाएगी 10+10, है कि नहीं, 10+10 किलोवाट, तो कितना हो गया 20, है कि नहीं, 10+10 20 हो गया, अपेरेंट पावर दोनों का इक्वल है 12.5 + 12.5, ये कितना आ गया 25, है कि नहीं, 12.5 + 12.5 ये कितना आ गया 25, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, ये कितना आ गया 0.8, दोनों लैगिंग है, एडिशन भी जब होगा तो दोनों लैगिंग ही आएगा, तो 0.85 लैगिंग, है कि नहीं। तो हमारा ये पावर फैक्टर क्या गया, कंबाइंड पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग आ गया, ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है, ओके। चलिए, थैंक यू।